العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح القاعدة صفحة 129. هذه القاعدة تتناول حكم من أخرج له الشيخان أو أحدهما وهو مستور لم يتعرض له بجرح ولا تعديل، فحكمه أنه ثقة، لأن احتجاج الشيخين أو أحدهما به توثيق له. وقد وصف حديثه بأنه قوي ولم يصفه بالصحة لاحتمال أن يكون متوسطا بين الثقة الثبت صحيح الحديث وبين الثقة الصدوق الذي غالب حديثه من رتبة الحسن، فإن المتقدمين لم يفرقوا بين الصحيح والحسن. شرح القاعدة، قاعدة کی شرح، کون سے قاعدے کی شرح؟ القاعدة الثامنة کی شرح. القاعدة الثامنة میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل واحتج به الشيخان أو أحدهما فهو ثقة، کہ جس راوی پر نہ جرح کی گئی ہو نہ تعدیل، اور اس سے شیخین نے حجت پکڑی ہو، امام بخاری امام مسلم نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے حجت پکڑی ہو، فہو ثقت، تو وہ ثقہ ہے. یہ قاعدہ ہے کہ ایک راوی ہے اور اس کی حدیث موجود ہے کتاب میں، اس راوی پر کتابوں میں نہ جرح ملتی ہے نہ تعدیل ملتی ہے. البتہ ہے کہ اس راوی سے بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ملتی ہے، یا صرف بخاری میں ملتی ہے روایت یا صرف مسلم میں روایت ملتی ہے. تو محض بخاری اور مسلم میں روایت مل جانے کی وجہ سے وہ شخص کیا کہلائے گا، وہ راوی کیا کہلائے گا؟ ثقہ کہلائے گا. قال الحافظ الذهبی رحمہ اللہ فی الموقظۃ، حافظ ذہبی کی عبارت کو تائید کے طور پہ پیش کیا ہے. من احتج به او احدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے ذریعے تائید ہے کہ شیخین جس راوی سے حجت پکڑیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن راوی پہلے سے ثقہ نہ ہو اور نہ مجروح ہو، غمزہ، تو وہ ثقہ ہے، اس کی حدیث معتبر ہے، وہ قوی ہے. اسی قاعدے کی شرح کر رہے ہیں، شرح القاعدۃ، قاعدے کی شرح. هذه القاعدة تتناول حكم من أخرج له الشيخان، یہ قاعدہ شامل ہے اس راوی کے حکم کو جس کے لیے شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے حدیث نقل کی ہے، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے، امام بخاری نے یا امام مسلم نے. وہو مستور،
इस हाल में कि वो सिका नहीं है, मस्तूर है, न मजरूह है, न मौसक है, बल्कि उसकी हालत हिडन है, पोशीदा है। लम युतअर्रद लहू बिजर्हिन वला तअदीलिन, मस्तूरन की तशरीह है कि उन पर न जरह की गई है और न तअदील उनकी की गई है। वहुक्मुहु अन्नहु सिकतुन, तो इसका हुक्म यह है कि वो रावी सिका है, वो रावी सिका है, एक रावी है, उनको न किसी ने मजरूह कहा है और न आदिल कहा है, मस्तूर है हालत उसकी। लेकिन बुखारी और मुस्लिम दोनों में उसकी हदीस मौजूद है, तो फिर ये क्या होंगे, सिका, यही बताया है। तो हुक्म हो अन्नहु सिकतुन, तो इसका हुक्म ये है कि वो सिका है। लिअन्ना इहतिजाज अश्शैखैन, इसलिए कि बुखारी और मुस्लिम का हुज्जत पकड़ना या उनमें से किसी एक का हुज्जत पकड़ना, बिही तौसीकुन लहू, उनके लिए तौसीक का काम करेगा, तादील का काम करेगा। वक़द उसिफ हदीसहु बिअन्नहु क़वी, और उनकी हदीस को मुत्तसिफ किया जाएगा कि वो हदीस क़वी है, बिअन्नहु क़वी। इमाम बुखारी ने उस रावी को नकल कर लिया, सनद उसकी और उसकी हदीस नकल कर ली, तो अब वो हदीस क्या कहलाएगी, हदीसहु बिअन्नहु क़वी। वलम यसिफ़ बिस्सिहती, और उसको मुत्तसिफ नहीं किया है सेहत से, हदीस तो कवी मान ली जाएगी लेकिन सही की जो तारीफ़ है, पांचों शर्तें हैं, वो जब पाई जाए, जब कहा जाएगा, एहतियातन सही उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अपनी नज़रों से देखा नहीं है, यानी पांचों शर्तें जब तक परख न ले तब तक लम यसिफ़ बिस्सिहती, आदमी उसको मुत्तसिफ न करे सेहत के साथ, नहीं करेगा। लिहतिमाली अन यकून मुतवस्सितन, कभी तो कहेंगे लेकिन सही नहीं कहेंगे, इस एहतमाल की वजह से कि अन यकून मुतवस्सितन बैन सिकति सबति सहीह हदीसी, के वो रावी सिका सबत सहीहुल हदीस के दरमियान हो और सिका सदूक गालिबु हदीस ही अल हदीसुल हसन के दरमियान हो सकता है वो रावी क्या हो, सिका सबत और सदूक के दरमियान हो, सदूक से थोड़ा ऊंचा हो, सिका से थोड़ा नीचा हो सकता है, मालूम नहीं, क्योंकि सिका उसको कहेंगे, सही हदीस वाला उसको कहेंगे जिसमें पांच शर्तें पाई जाएं, और सदूक उसको कहेंगे जिसमें कमी हो, थोड़ा ज़ब्त में कमी हो, तो अब तो परखा नहीं, देखा नहीं, इसलिए मुतवस्सित बैन सिकती व सदूकी, हो सकता है ऐसा हो, इसलिए डायरेक्ट सही नहीं कहेंगे, हाँ उनकी हदीस को कवी कह देंगे। फ़इन्नल मुतकद्दिमीन लम युफर्रिकु बैन अस्सहीह वल हसनी, क्योंकि मुतकद्दिमीन ने फ़र्क नहीं किया है सही और हसन के दरमियान, सही और हसन के दरमियान, इसलिए मुतकद्दिमीन का ख्याल करते हुए उसकी हदीस को, उस रावी की हदीस को कवी कह देंगे, और मुतअख्खिरीन की रियायत करते हुए सही और हसन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग दोनों में फ़र्क करते हैं, बस कवि कह देंगे। अब कवि में आप चाहे सिका की तरफ ले जाइए, सिका की हदीस है, या सदूक की तरफ ले जाइए कि सदूक की हदीस है। فإن المتقدمين لم يفرقوا بين الصحيح والحسن الإيراد اعتراض ولكن إطلاق هذه القاعدة على هذا النحو فيه نظر، لیکن اس قاعدے کو بولنا اس طریقے پر
इस कायदे को इस तरीक़े पर मुतलक रखना महल नज़र है। फी ही नज़र, ये कायदा इसको मुतलक इस अंदाज़ से बोलना क्या है, महल नज़र है, इसमें एतराज़ है। फ़ैनल इमाम मुस्लिमन, फ़ैनल इमाम मुस्लिमन पढ़ेंगे, मुस्लिमन उसी से बदल है, क्योंकि इमाम मुस्लिम कद युखर्रिज अहादीस बाद ज़ुअफ़ाई, बाज़ ज़ईफ़ रावियों की हदीसों की तख़रीज करते हैं। इससे पहले आया था ना कि अगर सिका रावी किसी ज़ईफ़ रावी से हदीस नकल कर दे तो इसके महज नकल करने से वो सिका नहीं हो जाएगा, तो ये कायदा उससे टकरा रहा है, तो उस टकराने की वजह से इसको यहाँ पे एतराज़ के तौर पे पेश कर दे रहे हैं कि पढ़ने वाले को ये है, मालूम है कि ये पहला कायदा आपने बयान किया है, इसलिए उसको ये बता दे रहा है कि मुझको याद है आपने कायदा जो बयान किया है। वो लेकिन नई तलाक़ादी न तुरुन, लेकिन इस कायदे को बोलना इस तरीके पर मुतलकन इसमें नज़र है, एतराज़ है। फ़ैनल इमाम मुस्लिमन, फ़ैनल इमाम मुस्लिम कद युखर्रिज अहादीस बाज़ ज़ुअफ़ाई, बाज़ ज़ईफ़ रावियों की हदीसों की तख़रीज करते हैं, लिअन्नहा इंदहु यअलू, लिअन्नहा इंदहु बिउलुव्विन मा कौनिहा महफूज़तन मिन रिवायात अस्सिक़ात इंदहु बिनुज़ूलिन, इसलिए कि वो हदीसें इमाम मुस्लिम के नज़दीक उलुव सनद के साथ होती हैं, बावजूद है कि वो महफूज होती है सिकात की रिवायत से, इंदहु इमाम मुस्लिम के नज़दीक बिनुज़ूल नज़ूल सनद के साथ, कमा सर्रह बिज़ालिका, जैसा कि उन्होंने इसकी सराहत किया है, जैसा कि उन्होंने सराहत किया है। उन्होंने मुस्लिम में एक हदीस नकल कर दी और सनद नकल कर दी, सनद में 9 लोग हैं, और यही हदीस दूसरी सनद के साथ उनके पास मौजूद है जिसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोग जिस सनद में है उसको सनद नाजिल कहते हैं, कम दर्जे की सनद, और जिसमें कम है 9 लोग हैं उसको सनद आली कहते हैं, क्योंकि 9 लोगों से हुजूर तक पहुंच जा रही है, तो सनद आली सनद साफी। लेकिन सनद आली में क्या है, एक रावी ऐसा है जिसे इमाम मुस्लिम नकल कर रहे हैं ज़ईफ़ है, और दूसरी जगह वो रावी मौजूद नहीं है, कवी रावी सिका रावी मौजूद है, लेकिन 10 की वजह से उसको यहाँ पे नहीं नकल कर रहे हैं, ये मकसद है ताकि सनद आली से नकल करें, और जिसको एतराज़ होगा कि आपने ज़ईफ़ से नकल किया है तो उसको बता देंगे कि दूसरी जगह सनद कवी सिका लोगों से मौजूद है, यहाँ तो सनद आली की वजह से हमने नकल किया है। तो ये बात बयान करने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम ने ज़ईफ़ से नकल किया है सनद आली की बुनियाद पे, तो इस ज़ईफ़ से नकल करने की वजह से वो सिका नहीं हो जा रहा, आपका कायदा तो उससे टूट जा रहा है, ये इराद हुआ, एतराज़ हुआ कि ऐसा इमाम मुस्लिम ने किया है। फ़ला बुद्द मिन इमाल हादिल क़ाइदती बिहज़रिन, तो ज़रूरी है इस तलवार को एहतियात से चलाने की, तो ज़रूरी है इस कायदे को अमल में लाना ज़रा हज़र से, एहतियात से। अभी एहतियात से ये शेखैन ने, अगर ऐसा रावी है जो मस्तूर है और शेखैन ने इस्तेमाल किया है उसकी रिवायत को, तो वो सिका हो जाता है, फ़ुवा सिक़तुन, लेकिन हर जगह नहीं कहेंगे। अब पढ़ाने वाले शुयूख मुहद्दिसीन शेखुल हदीस बताएंगे कि यहाँ पे ये सिका हो जा रहे हैं और यहाँ पे सिका नहीं हो रहे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, और सनद आली की बुनियाद पर इसको यहाँ नकल किया है। फ़ला बुद्द मिन इमाल हादिल क़ाइदती, तो ज़रूरी है इस कायदे को अमल में लाना बिहज़रिन, ज़रा हज़र से, एहतियात से। फ़ी मन काना मस्तूरन, उस रावी के सिलसिले में जो मस्तूर हो, व अखरज लहू मुस्लिम फ़ी सहीही, और इमाम मुस्लिम ने उनकी हदीस को सही मुस्लिम में नकल किया है, उसकी हालत मस्तूर है और नकल कर दिया है, तब तो वह सिका बन जाएगा।
लेकिन मस्तूर नहीं है उसकी हालत, बल्कि ज़ईफ़ है। तो फिर जब मालूम है ज़ईफ़ है तो ये सिका नहीं बनेगा। मस्तूर और ज़ईफ़ के दरमियान फ़र्क करके ही इस्तेमाल करना इस कायदे को। आपने ज़ईफ़ को मस्तूर बना, वो ज़ईफ़ था लेकिन मस्तूर वाला कायदा आपकी नज़र से मस्तूर हो गया, तो आपने कह दिया कि इमाम मुस्लिम वो कायदा तो मज़कूर है कि अगर ज़ईफ़ रावी से जो है शेखैन नकल करे तो वो कवी हो जाया करता, फिर वो सिक़त। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो मस्तूर हो, लम यो तअर्रद बिजर्हिन वला तअदीरिन का मतलब है मस्तूर हो, तब जो है शेखैन अगर नकल करे तो क्या हो जाएगा, सिक़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ईफ़ हो, सबको मालूम है कि मस्तूर नहीं ज़ईफ़ है, तब सिक़ा नहीं होगा। मस्तूर हो तो सिका होगा, मस्तूर ना हो तो सिका नहीं। खुलासे कलाम ये निकला कि इससे पहले जो कायदा बयान किया था उसमें यह था कि ज़ईफ़ रावी है और उसका ज़ौफ़ जग ज़ाहिर है, यानी सब लोग जानते हैं, तो फिर इनके नकल करने से वो ज़ईफ़ रावी सिका नहीं होगा। और यहाँ पे जो कायदा है वो ये है कि एक मस्तूर रावी है और शेखैन उससे हदीस नकल कर रहे हैं या एक नकल कर रहे हैं कोई, तो ये मस्तूर सिका बन जाए। वमिसालुन अला हादिहिल काइदति, और इस कायदे की मिसाल, और इस कायदे की मिसाल, मुहम्मद इब्न गुरैर, गुरैर इब्न अल वलीद। अब ये क्या है, गुरैर फुआइर कुरैश के वज़न पे, मुहम्मद गुरैर इब्न अल वलीद, ये मस्तूर हैं तो इसलिए मस्तूर रहने दे, गुरैरिन को पढ़ेंगे। इहतज्ज बिही अल बुखारी, इमाम बुखारी ने उनसे एहतजाज किया, हुज्जत पकड़ी है। वलम युतअर्रद लहू अहद, युतअर्रद की बजाय यतअर्रद पढ़ेंगे, वलम युतअर्रद लहू बिजर्हिन वला तअदीलिन। इमाम बुखारी ने उनसे हुज्जत पकड़ी है, वलम युतअर्रद लहू अहद, और किसी ने तअर्रुज़ नहीं किया है इस रावी पर हदीस शरीफ में जरह तादील के साथ। तो अब ये क्या हो गए, मोहम्मद इबन गुरैर इबन वलीद, और अगर ये अजीज़ हैं तो दोनों पे नुक्ता होना चाहिए, ठीक है, तो मस्तूर हैं ये, तो इसलिए इनको यही रहने दीजिए, गुरैर ही, क्योंकि वही लिखा भी है। इल्ला इबन हिब्बाना, मगर ये कि इब्न हिब्बान, ज़करहु फ़ि सिकाती, मोहम्मद इब्न गुरैर इब्न वलीद को सिकात में ज़िक्र किया है। वहुव मुतसाहिलुन व मुतअख्खिरुन अनिल बुखारी, और अल्लामा इब्न हिब्बान मुहद्दिस ये सहूलत पसंद हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बाद में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, बाद में है, तो जाहिर सी बात है इमाम बुखारी ने उनसे दलील पकड़ा है और ये बाद में आए हैं, तो बाद में आने वाले का एतबार नहीं होगा, पहले आने वाले का एतबार होगा। फ़हुक्मुहु अन्नहु सिक़तुन, लिहाजा मुहम्मद रहिमहुल्लाह का हुक्म ये होगा कि वो सिका होंगे, लिहतिजाजिल बुखारी बिही, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उनसे दलील पकड़ने की वजह से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे हुज्जत पकड़ी है इस वजह से। तो अब वो क्या है, मस्तूर हुए और इमाम बुखारी ने उनकी हदीस नकल किया, तो अब वो क्या हो जाएंगे, फ़िका हो जाएंगे। वलिदा क़ाल अल हाफिज़ फ़ि तक़रीब, इसी वजह से हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीब में फरमाया है, सदूक़ुन, मुहम्मद इब्न गुरैर इब्न वलीद क्या हैं, सदूक हैं। वहादा एहतियातुन मिन्हु, और ये उनकी तरफ से हजर है, एहतियात है, क्यों, इसलिए कि कहा है बैना सिकती मुतवस्सितुन बैना सिकती व सदूक़ी, तो नीचे ही का सदूक़ से ऊपर हुए
और सिका से नीचे हुए तो कह रहे सदूक कह दिया एहतियात। वह मिसलहु मोहम्मद इब्न कुदामत इब्न इस्माईल, और एक मिसाल मोहम्मद इब्न कुदामा इब्न इस्माईल की है, लेकिन आपके सबक का सेशन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसलिए वी एंड हेयर योर लेसन, यहाँ पे हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.